वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सेंट्रल टीटी में आने वाला सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है विकलांग तथा अधिगम असक्तता वाले बालकों की पहचान, आइडेंटिफाइंग द डिसेबल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन। इससे सेंट्रल टीटी में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो कि सेंट्रल टीईटी जून 2011 में पूछा गया है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और चौथा ऑप्शन है वर्ड एवं शब्द की पहचान में कठिनाई। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सेंट्रल टीटी जून 2011 में पूछा गया है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रयोजन योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों, दूसरा ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों और चौथा ऑप्शन है नियमित विद्यालयों। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, नियमित विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2012 में पूछा गया है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है भावात्मक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे की कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, सेकेंड ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में अक्षमता और फोर्थ ऑप्शन है खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनने, सेकेंड ऑप्शन है पढ़ने, थर्ड ऑप्शन है बोलने और फोर्थ ऑप्शन है बोलने व सुनने। तो इसमें जो डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा, पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण शैली, दूसरा है जन्म से पहले माँ द्वारा मुद्रा सेवन, थर्ड ऑप्शन है मंद बुद्धिता एंड फोर्थ ऑप्शन है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक की शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि जुलाई 2013 में पूछा गया है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पहला अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है परिणामकारी वॉक, सेकेंड ऑप्शन है लंबित वॉक, थर्ड ऑप्शन है अनुश्रुति वॉक और फोर्थ ऑप्शन है प्रवदृत वाक यानी प्रोलॉन्ग स्पीच। तो इसमें जो है हकलाने की समस्या से चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रवर्धिक वाक यानी प्रोलॉन्ग स्पीच से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है, सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मकता बुद्धिपूर्व गवेषा
तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? पहला ऑप्शन है उपचारात्मक प्रत्युत्तर, सेकंड ऑप्शन है अधिगम की सार्वभौमिक प्रारूप, और थर्ड ऑप्शन है संग्रहित अधिगम, और चौथा ऑप्शन है हस्तक्षेपी अधिगम। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, संग्रहित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर पर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों की संवेदनशीलता, अध्यापकों का संवेदनशील न होना। सेकेंड ऑप्शन है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में सांपट्य और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाले ना होना तथा उन्हें कम आय देना। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सी टेस्ट फरवरी 2014 में पूछा गया है, अधिगम अक्षमताएं। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभदांक वाले बच्चों में पाई जाती हैं। दूसरा है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। थर्ड ऑप्शन है वस्तु परक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तो अधिगम अक्षमताएं जो है इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभदांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। सेकंड ऑप्शन है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां वह सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, दूसरा सेकंड ऑप्शन है पर्यावरणी, थर्ड ऑप्शन है जीव वैज्ञानिक, और फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारवादी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, पर्यावरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाने और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता के समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, सेकंड ऑप्शन है डिसफेशिया, थर्ड ऑप्शन है संवेदी एकीकरण विकार, और फोर्थ ऑप्शन है एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन होगा, एकाग्रता ह्रास एवं अतिक्रियाशील विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है, अधिकम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति केस यानी केस अध्ययन, दूसरा है घटनावृत्ति अभिलेख, थर्ड है व्यवहार रेटिंग स्केल, और फोर्थ है संचरित व्यवहार अवलोकन। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, संचरित व्यवहार परक अवलोकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। सेकेंड ऑप्शन है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। थर्ड ऑप्शन है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। सेकेंड ऑप्शन है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। थर्ड ऑप्शन है अन्य बच्चों को धमकाने तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और फोर्थ ऑप्शन है एक ही प्रकार के गात्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। बच्चे को एक समान अधिगम असक्तता वाले, पहला ऑप्शन है बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है, ये है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। फोर्थ ऑप्शन है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठों तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है सितंबर फरवरी 2016 में पूछा गया है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, पहला ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीख सकते। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। और फोर्थ ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सितंबर 2016 में पूछा गया है। कोई शिक्षिका अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुपाओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। पहला ऑप्शन है श्रवण विकलांग विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी और तीसरा ऑप्शन है सीख न सकने वाले शिक्षार्थी और चौथा ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी।